नमस्कार दोस्तों, इस समय की एक बड़ी खबर आ रही है अनुदेशकों के 17,000 मानदेय को लेकर। दोस्तों आज दिनांक 16 अक्टूबर 2019 को 17,000 मानदेय की सुनवाई हुई। इस खबर को हम पूरा देखेंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि आप अनुदेशकों से जुड़ी किसी भी खबर को मिस ना करें। दोस्तों आज दिनांक 16 अक्टूबर 2019 को अनुदेशक मानदेय 17,000 को लेकर डबल बैच में आज बहस हुई, जिसमें कोर्ट के द्वारा सरकार को जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई गई और कहा गया है कि समस्त अभिलेख जो प्रथम बैच में लगाए गए थे उनको भी अपील में लगाया जाए ताकि उसके बाद फाइनल बहस की जा सके। आपको बता दें कि आज की सुनवाई में सरकार कंटेम्प्ट का हवाला देकर स्टे मांग रही थी, लेकिन सरकार को स्टे देने से कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया है और कहा गया है कि प्रथम बैच की सुनवाई में लगाए गए सभी दस्तावेजों को भी इस अपील में लगाया जाए ताकि इस मामले में आगे कोई सुनवाई की जा सके। आज की इस जबरदस्त बहस के बाद अनुदेशकों के 17,000 मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी और 5 नवंबर को बहुत ज्यादा उम्मीद है कि फाइनल बहस हो सकती है, जिसमें फैसला भी आ सकता है और या फिर अगली डेट देकर उस डेट पर फैसला सुनाया जा सकता है। दोस्तों अनुदेशक 17,000 मामले में वैसे तो देखा जाए सारा मामला बिल्कुल साफ है। अनुदेशकों को 17,000 मानदेय मार्च 2017 से मई ब्याज सहित मिलना चाहिए, पर सरकार बार बार इस पे स्टे मांग रही है और साथ में अगली डेट भी मांग रही है। 17,000 मानदेय को लेकर अनुदेशकों के द्वारा लगातार संघर्ष जारी है और एक न एक दिन अनुदेशक परिवार को जीत जरूर मिलेगी। दोस्तों इस समय अनुदेशकों को एक बहुत अच्छे फैसले की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और ये फैसला बहुत जल्द आएगा भी। अनुदेशकों से जुड़ी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप अनुदेशक और अनुदेशक मानदेय से जुड़ी किसी भी खबर को मिस ना करें। धन्यवाद।